बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है जी, 6 महीने कैद और 1 लाख रियाल का जुर्माना है जी। मैं आपके साथ ये तफसील थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है जी कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अचानक गलती और बंदा भाई 6 माह के लिए अंदर, ऊपर से 1 लाख रियाल का फाइन है। अगर आप फाइन नहीं देंगे तो आपको 1 से 2 साल की मजीद कैद काटनी पड़ेगी, और इन चीज़ों के ऊपर माफ़ी भी नहीं होती है, ये भी क्लियर कर दूं मैं। बात ये है जी, कोई भी किसी किस्म का जो न्यूज़ है वो ये है जी, धमाका करने वाला कोई भी किसी किस्म का मवाद आप बना रखे हैं, आप उसे सेल कर रखे हैं, आप उसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं, आप उस बंदे की सपोर्ट कर रखे हैं, आप उस बंदे को रहाइश दे रखे हैं, आप उस बंदे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं, आप सभी इसी ज़ुमरे में आएंगे, आप भी इसी में ही जाएंगे फिर अंदर, यानी कि 6 महीने कैद और 1 लाख रियाल का फाइन। अभी आप सोचेंगे ये हमने कौन सा बम चलाना है या बम बनाना है या किसी बम वाले को साथ में बिठाना है। मैं आपको समझा देता हूँ बात जो समझने वाली है। बात करने का मकसद ये है कि जो आपने देखा पटाखा पाकिस्तान में आम होते ही, पटाखा आप ले लें, आप वो छुरली ले लें जो सामान में जाकर चलती है, कोई भी छुरली, कोई भी पटाखा, अगर ऐसा कोई भी मवाद बनाने वाला आपके दोस्त है, आपके साथ रहता है, आप खुद या इसमें मुलव्वस हैं या आपको पता नहीं है, वो बंदा ये काम कर रहा है आपके साथ रह रहा है, वो आपको चाहे यही बोल रहा है कि ये लीगल है, इलीगल नहीं है, तो वो भाई गलत आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो इलीगल ही है। जब वो पकड़ा जाएगा, अगर आपकी रिहाइश से आपके साथ पकड़ा जाएगा तो साथ में आपको भी उठा लिया जाएगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ऐसे तमाम अखबाब से दूर रखिएगा। 6 महीने कैद 1 लाख रियाल का फाइन है, ये कन्फर्मली ऐलान हो चुका है। और अगर आप खुदा ना ख्वास्ता ऐसे किसी भी झंझट में भाई पड़ जाते हैं तो 1 लाख रियाल भाई परदेशियों से नहीं दिया जाता, मुझे पता है, तो फिर उसके ऊपर आपको मजीद 1 साल 2 साल की कैद हो सकती है। तो ऐसे दोस्त अखबाब से या खुद आप ऐसे को काम कर रहे हैं तो उससे दूर रहे, यही बेस्ट है।